कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल का अचानक भ्रमण करने पहुंचे पोहरी विधायक कैलाश कुशवा। बच्चों ने रो रो कर सुनाई अपनी आप बीती। गर्ल्स हॉस्टल में मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता है खाना। विधायक कैलाश कुशवा ने भी हॉस्टल पर बना खाना खाया, उसमें केवल दाल चावल और रोटी थी। साथ ही दूर से पानी भरवाया जाता है, बर्तन भी साफ कराए जाते हैं। पूरी तरह से हॉस्टल में देखने को मिली खामियां। विधायक कैलाश कुशवा ने कहा कि इस तरह का दुर्व्यवहार बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों ने रो रो कर सुनाई अपनी आप बीती। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा में आज पोहरी विधायक कैलाश कुशवा अचानक गर्ल्स हॉस्टल का भ्रमण करने पहुंचे, जहां उन्हें कई खामियां मिली और बच्चों ने रो रो कर पोहरी विधायक कैलाश कुशवा को अपनी आप बीती सुनाई। पोहरी विधायक कैलाश कुशवा ने बताया कि आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सतनवाड़ा कस्तूरबा गर्ल्स हॉस्टल पर भ्रमण करने पहुंचा था, जहां बच्चों ने अपनी आप बीती मुझे रो रो कर सुनाई है। मैडम के होने के बावजूद भी उन्होंने इतना साहस दिखाकर मुझे सभी चीजों को बताया। उन्होंने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। आज पोहरी विधायक कैलाश कुशवा ने भी हॉस्टल पर बना खाना खाया, उसमें केवल दाल चावल और रोटी थी, जबकि चार सब्जी होना चाहिए थी। और उन्हें बताया गया था कि आज चार सब्जी बनेगी, लेकिन वहां केवल दाल बनी थी। बच्चों ने बताया कि उनसे कपड़े धुलवाए जाते हैं और दूर से पानी भरवाया जाता है, साथ ही बर्तन भी साफ करवाए जाते हैं और एक महीने में एक ही शैम्पू दिया जाता है। वहीं पूरी तरह से हॉस्टल में खामियां देखने को मिली। विधायक कैलाश कुशवा ने कहा कि इस तरह का दुर्व्यवहार बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। आपकी चिंता मेरी चिंता है, आप मेरे बच्चे हो, आप बिल्कुल ना घबराएं, कोई भी शिकायत हो डरने की किसी जरूरत नहीं है। आप हमें किसी के द्वारा खबर भेजा दीजिए। अच्छा आपके लिए आता है वो पूरा ले जाती है, एक शैम्पू महीने भर के लिए, एक शैम्पू महीने भर नाम एक साल। ठीक है, अच्छा कोई समय पर डॉक्टर नहीं आता? ठीक है बेटा, है ठीक है, चिंता मत करो। किसी कोई मिलने आए परिवार का, उसके द्वारा ये बोल देना आप कि आपके विधायक कैलाश कुशवाहा जी खबर भेज दो। आपकी चिंता मेरी चिंता है, परिवार के द्वारा कोई कंप्लेंट है आपकी तो आप सब लिख के ना उन्हें दे दिया करो, हमारे तक पहुँच जाएगा आपका। आप मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, आप चिंता मत करें बेटा, ठीक है सभी से ओके, धन्यवाद। नमस्कार, आज मैंने सतनवाड़ा हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में अचानक निरीक्षण किया और हॉस्टल में बहुत कमियां पाई गई। सबसे पहले तो मैं उन वहाँ के मॉडर्न मैडम और सहायक मैडम को मैं यही कहूँगा कि आप बच्चों से इतना दुर्व्यवहार क्यों? आपके भी बच्चे हैं, खाने में दाल रोटी सिर्फ, वो भी दाल पानी वाली। आज मैंने भी गया और आपने बोला चार सब्जी बनी है मौके पे, जब मैंने कही थाली लगाओ तो क्या सिर्फ पतली दाल रोटी और चावल। बच्चे रो रो कर अपनी गाथा गा रहे थे। नाश्ते में कोई वाले इडली, कभी चार चने, कभी दाल कच्ची, जो मीनू के हिसाब से आप नहीं देते। बच्चे बोल रहे थे महीने में एक शैम्पू दिया जाता है, बच्चों से पानी भरवाया जाता है दूर से नहाने के लिए और पीने के लिए, और बच्चों से पोंछा लगवाया जाता है, बच्चों से कपड़े धुलाए जाते हैं, बच्चों से खाना के बर्तन मंजवाए जाते हैं। यह बच्चों की गाथा है, बच्चों ने मुझे लिख के भी दिया है, बच्चों ने अपने लिखे भी दिया है, कुछ गोपनीय बताया रो रो कर। मैडम डरा रही थी, फिर भी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात रखी। हॉस्टल में मैं माननीय कलेक्टर साहब से कह रहा हूँ कि इस पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा विभाग से कह रहा हूँ और सभी हॉस्टलों को मैं चेतना दे रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी भी हॉस्टल में आऊँगा। और आप ये ना समझें, हमारे बच्चे और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छा खाना दें, अच्छी शिक्षा दें और उन पर ध्यान दें। धन्यवाद।